अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सहाना में, और आज हम अपने कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडिया क्वेरीज के बारे में। मॉड्यूल 2 का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम सीएसएस को कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट टॉपिक के साथ, कि मीडिया क्वेरीज क्या होती है, मीडिया क्वेरीज को यूज़ क्यों किया जाता है, मीडिया क्वेरीज को यूज़ कैसे किया जाता है, और इनका पर्पज़ क्या होता है, क्यों हमें मीडिया क्वेरीज की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले थोड़ी एक दो चीज़ें जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जिस तरह क्यू एंड ए सेशन में क्वेश्चन आए, और इस तरह की दो तीन चीज़ें जो कमेंट बॉक्स में हमने देखी, मैं पहले उनको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले कुछ लोगों ने इस तरह कमेंट किया हुआ था कि मेरा इमेज टैग नहीं चल रहा, या मेरे पास जो है वो जो फाइल मैंने बनाई हुई है वो फाइल सही तरीके से चल नहीं रही है, वो हर दफ़ा कोई नया बिहेवियर शो करती है, इस तरह की डिफरेंट है। तो मैं पहले कहूँगा कि जो आप कोड कर रहे हैं ना, मुझे एटलीस्ट कोड दिखाएं कि आप वो कोड कर क्या रहे हैं। अब इमेज के में आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, इस तरह मुझे नहीं पता चलेगा। आप बस इस तरह के कह रहे हैं कि इमेज टैग चल नहीं रहा, तो उसको तो मुझे या तो प्रॉपर क्लियर करें कि आपको इशू क्या आ रहा है, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से वीडियो में ही या कमेंट बॉक्स में ही आपको वो क्यूरी क्लियर कर दूं। लेकिन अगर जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या किस वजह से नहीं चल रहा, तो उसको तो मैं कभी भी नहीं हल कर सकूँगा। सेकेंड, क्यू एंड ए सेशन में और कमेंट्स में भी किसी ने एक मैसेज किया हुआ था कि हमने HTML के काफ़ी टैग्स अभी पढ़े नहीं हैं, तो वो हम कब पढ़ेंगे। तो उसका यही है कि अभी हमने वाकई में कुछ टैग्स हैं जो नहीं पढ़े, जैसे कि आपका टैग आ जाता है टेबल टैग आ जाता है, फॉर्म का टैग आ जाता है, इनपुट टैग आ जाता है, फिर बटन टैग आ जाता है, और नैव बार का टैग है, नैव टैग है, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ कि आप कह दें कि अभी हमने टैग नहीं पढ़े। हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है HTML का, मगर उसको भी आप 100% कंप्लीट नहीं कह सकते, इस वजह से कि उसमें कुछ टैग अभी भी मिसिंग है जो हमने आगे फर्दर पढ़ने हैं। उसको हमने उस वक्त होल्ड इसलिए किया था कि जब हम बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट अपने थर्ड या फोर्थ मॉड्यूल में आए, तो उसके साथ साथ चीज़ों को करें। जब नेक्स्ट हम अपना मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप, तो उसमें हम टेबल टैग पढ़ेंगे, फॉर्म टैग को भी हैंडल करेंगे, और दूसरी चीज़ों को भी हैंडल करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो बटन को हम वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। बटन टैग ऑल्दो हम बूटस्ट्रैप वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मगर जावास्क्रिप्ट में जब आएंगे तो बटन टैग को ज़्यादा एडवांस फॉर्म में फर्दर आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें फिर हमें पता चल रहा होगा कि बटन पे क्लिक करने पे हमारा कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है और किसकी बेस पे होना है जावास्क्रिप्ट के। तो जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था कि जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या है, कि जो लॉजिक डेवलप होती है एक बटन क्लिक करने में, जैसे लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है, उसके पीछे एक लॉजिक डिफाइन है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल ली थी कि उसमें जब ह्यूमन बॉडी वॉक कर रही है या कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसको सिग्नल आ रहा है माइंड से। ये जो माइंड सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, या बटन जो है लाइट ऑन या ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे अगर वेबसाइट के फॉर्म में देखा जाए तो वो लॉजिक्स हैं, और वो लॉजिक्स किस पे बिल्ड किए जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में। तो इस वजह से हमने कुछ टैग्स को उस टाइम होल्ड किया था, हमने बेसिक टैग्स को देखा था, हमने उन पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ताकि अगर जब हमारे पास एडवांस टैग आए, जब उन्हें पढ़े, तो हमारे कॉन्सेप्ट उसमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पैरेलली दोनों चीज़ों में, हमारे टैग्स की फॉर्म में भी, और उन टैग्स के ऊपर जो लॉजिक लग रही है, या उसके ऊपर कोई बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग हो रही है, या जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन लग रहा है, वो दोनों हमें पैरेलली इजीली समझ आ जाए, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन किया गया था कि फ्लेक्स बॉक्स और फ्लोट में क्या फ़र्क है। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली क्या करता है, अगर आप मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था, या हम अपना टाइटल भी देखें, तो हमारा टाइटल है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव वेब साइट, या कोर्स का नाम जो है लर्निंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स यूजिंग HTML5 CSS3 बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। ये जो रिस्पॉन्सिव का वर्ड है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता रहा था रिस्पॉन्सिव क्या है, कि हमारा जितना भी पेज है या वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, उनको एक जैसा शो कराया जाए आपके रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से, कि मोबाइल फ्रेंडली हो, स्क्रीन फ्रेंडली हो, चाहे स्मॉल स्क्रीन चल रही है या लार्ज स्क्रीन चल रही है, मीडियम साइज स्क्रीन है, जोन सी भी स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे भी वो वेब पेज ओपन हो रहा है, वहाँ पे वो परफेक्टली शो हो, ये ना हो डिज़ाइन ख़राब हुआ हो, या बटन या डिव या जो भी आपका डिज़ाइन किया हुआ उसके अंदर से टेक्स्ट बाहर निकल रहा हो, कलर आपने किसी बटन का रेड दिया तो उसके रेड से बाहर टेक्स्ट आ रहा है सारा कुछ, यानी स्पेस के इश्यूज आ रहे हो, तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं।
फ्लेक्स बॉक्स भी हमें यही प्रॉपर्टी एक है सीएसएस की, जो हमें रिस्पॉन्सिवनेस को अच्छे तरीके से नेक्स्ट फर्दर एक एडवांस फॉर्म में रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए यूज की जाती है। फ्लेक्स बॉक्स अब अगर हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाई थी फ्लेक्स, तो वो क्या करती थी, हमारा जितना भी कॉन्टेंट होता था वो फ्लेक्स के अंदर वो हमें एक रो के अंदर ले आती थी। तो इसको जरा हम थोड़ा फर्दर डिटेल में करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स है क्या चीज। एक इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कंटेनर ले ले, एक बॉक्स ले ले, बॉक्स के अंदर आपने डिफरेंट आइटम्स रख दी हैं, या एक कह लें कार्टन है जिसके अंदर आपने डिफरेंट फ्रूट आइटम्स रख ली हैं, एक तरफ आपने मैंगो रख लिया, ऑरेंज रख लिया और एक तरफ आपने कोई एप्पल रख लिया, ये तीन फ्रूट रखी हैं। अब जो बॉक्स है वो एक कंटेनर है और उसके अंदर जो तीन फल है वो आइटम्स है, इसको हम लेके चलते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स की फॉर्म में। एक हमने जो बॉक्स बनाया था या कार्टन रखा था उसको हमने प्रॉपर्टी लगा दी डिस्प्ले फ्लेक्स की, जिसकी वजह से क्या हुआ वो डिस्प्ले कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन गया और उसके अंदर कुछ आइटम थी जिसको हमने क्या कर दिया फ्लेक्स आइटम दे दिया। अभी ये मैं थोड़ा सा कोड भी करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आए अगर हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं कोड देखते हैं, कोड इंप्लीमेंट करते हैं फिर उसका कॉन्सेप्ट करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीन पर चलते हैं हम कोड की तरफ। ये हमारा कोड था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं ये सारा कोड अभी प्रॉपर उसके नॉर्मल स्टाइल में ला रहा हूँ, इसकी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह सारा कुछ मैं खत्म कर रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को भी खत्म कर रहा हूँ और ये सारी जो चीज़ें थी उनको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं जरा इधर आता हूँ, रीलोड करता हूँ। अब ये चीज देख रहे हैं, ये मेरा एक फ्लेक्स लर्निंग अबाउट सीएसएस, उस पर मैंने टेक्स्ट अलाइन दिया हुआ है सेंटर और डिस्प्ले दिया हुआ है फ्लेक्स। ये जो मेरा बन गया लर्निंग अबाउट सीएसएस, जो मेरा यहाँ पे जो लर्निंग अबाउट सीएसएस जो कि रिबेका पर्पल से बैकग्राउंड में, ये मेरा फ्लेक्स कंटेनर है। अब इसके अंदर जो आइटम्स हैं लर्निंग एचटीएमएल और ये पी जो इन दिस कोर्स ये जो सारा लिखा हुआ, ये मेरे क्या है हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं। अब इनको मैंने एडजस्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं अपना लेआउट डिफाइन करने के लिए। अगर एक चीज और पहले मैं जरा कंफर्म क्लियर करता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को खत्म कर देता हूँ। आप एक चीज देखेंगे, अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल आ गया है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, लेकिन जैसे ही फ्लेक्स लगाता हूँ वो कंटेनर, जब फ्लेक्स कंटेनर बनता है तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले जाता है। फ्लेक्स की सबसे बड़ी पहली जरूरत क्या होती है हमारे पास, क्या पर्पज है, वो चीज़ देखिए कि आपका जो नॉर्मल लेआउट है वो वर्टिकल चल रहा है। अगर आपको नॉर्मल लेआउट नहीं चाहिए वर्टिकल, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो फ्लेक्स लगाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसको कौन सी लग जाती है लेआउट डिजाइन लग जाता है, डायरेक्शन लग जाती है फ्लेक्स। आप उसको फिर जिस तरह मर्जी आप उसे रो की फॉर्म में ले जाएं, रिवर्स रो की फॉर्म में ले जाएं, कॉलम या रिवर्स कॉलम, वो आप पे डिपेंड करता है, मगर जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स देता है वो आपको हॉरिजॉन्टल लेआउट प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर जितने भी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर या जिसके जिस डिप के ऊपर या जिस भी पेरेंट टैग के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा वो एक्ट करेगा एज अ फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड टैग होंगे वो क्या एक्ट करेंगे एज अ फ्लेक्स आइटम। अब इधर जो था कोड में अगर हम आते हैं लर्निंग अबाउट सीएसएस जो था, जहाँ पे ये मेरी लर्निंग अबाउट सीएसएस लगी है ये डिव, और डिव के अंदर दो टैग है, एक पी जिसमें लर्निंग एचटीएमएल है और एक पी जिसमें पूरा मेरी डिस्क्रिप्शन है, इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट वेब डेवलपमेंट यूजिंग एचटीएमएल 5 सीएसएस 3 बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो डिव है मेरा जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये मेरा क्या है, मेरा फ्लेक्स कंटेनर है और उसके अंदर दो आइटम है, पहला पी फ्लेक्स आइटम 1 और दूसरा पी फ्लेक्स आइटम 2, ये मेरे फ्लेक्स आइटम्स हैं। अब जब मैं इनको फ्लेक्स लगाता हूं तो वो अभी तो विदाउट फ्लेक्स, जब फ्लेक्स कंटेनर नहीं बना हुआ तो ये तो वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं, लेआउट इनकी वर्टिकल है, जैसे ही मैंने फ्लेक्स आइटम लगाऊंगा ये मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि अभी देखें हम यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म है। जैसे ही मैं यहाँ पे माय स्टाइल्स में आके अपना डिस्प्ले फ्लेक्स इसको लगाता हूँ, यानी मैं इसको क्या करता हूँ फ्लेक्स कंटेनर बनाता हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरा एक रो की फॉर्म में देखा हॉरिजॉन्टल आ गया लर्निंग एचटीएमएल और ये कोड जितनी वो स्पेस कर सकता था एडजस्ट उसके अकॉर्डिंग किया। अब लिस्ट आइटम को भी आप अपनी मर्जी से एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे जस्टिफाई कॉन्टेंट, जस्टिफाई कंटेंट की कुछ आइटम्स होती हैं, जस्टिफाई कंटेंट करके फ्लेक्स स्टार्ट के वो फ्लेक्स स्टार्ट के शुरू में ले जाता है, फ्लेक्स एंड एंड में ले जाता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में डाटा सेट कर देता है,
फिर स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, इन चीजों को एक एक दफा इंप्लीमेंट करते हैं आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले यहां पे करता हूं जस्टिफाई कंटेंट, मैं यहां पे देता हूं सेंटर, सेव, रीलोड। अच्छा इसको ना और क्लियर करते ताकि आपको ज्यादा आसानी हो, उसमें पहली सारी की स्पेस लिए जिस वजह से वो चीजें कवर नहीं हो रही, मैं पी टैग 2 कर देता हूं ताकि उसके पास सराउंडिंग में स्पेस हो, हमारे पास पता चल रहा हो किस तरीके से। आप देख रहे हैं लर्निंग एचटीएमएल, लर्निंग एचटीएमएल दोनों सेंटर में हैं, जुड़े हुए हैं। मगर मैं अभी यहां से अपना टैग खत्म करता हूं, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर खत्म करता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी खत्म। अभी देख रहे हैं उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब लेके रो में तो वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करेगा सारा कुछ, लेकिन अगर मैं इसको चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रॉपर लेआउट डिजाइन करूं, अच्छे तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करूं, तो मैं इसके लिए फ्लेक्स कंटेनर के साथ फ्लेक्स लिस्ट को उसकी जस्टिफाई कॉन्टेंट दे दूंगा। जस्टिफाई कॉन्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट को ही, जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड स्टार्ट। अब बेसिकली फ्लेक्स स्टार्ट उसके नाम से पता चल रहा है कि जो फ्लेक्स कंटेनर है उसके स्टार्ट से डाटा शुरू होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे जिस तरह शुरू हो रहा है बाय डिफॉल्ट यही स्टेट होगी। रिफ्रेश किया कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, मैं इस पे लिख देता हूं फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड जब करूंगा तो क्या करेगा वो मेरा, उसको एंड पे ले जाएगा। देखते हैं वो उसने जो लेफ्ट से स्टार्ट करता है वो राइट से स्टार्ट करता है, उसने फ्लेक्स एंड कर दिया है। ये दो प्रॉपर्टीज थी जस्टिफाई कंटेंट करने के लिए, आपके लेआउट को रिस्पॉन्सिबली डिजाइन करने के लिए, फ्रंट लेफ्ट स्टार्ट के लिए और लेफ्ट यानी फ्लेक्स स्टार्ट के लिए और फ्लेक्स एंड के लिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है, आप ये चाह रहे हैं मैं ना सेंटर में करूँ ना मैं लेफ्ट, या ना मैं राइट में करूँ ना मैं लेफ्ट में करूँ, मैं इसको सेंटर में कर लूँ, तो उसके लिए सिंपल हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स की ही आगे फर्दर प्रॉपर्टीज है जिसमें हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। वो क्या करेगा, लेफ्ट राइट से इक्वल स्पेस छोड़ के उसको सेंटर में एडजस्ट कर देगा। जैसे कि अभी देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड देखा, मैं लिख देता हूँ सिंपल यहाँ पे सेंटर, सेव और रीलोड। ये देख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट मेरा बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इसमें दो से तीन चीजें और हैं जिनको समझने वाली हैं, वो आपके पूरा लेआउट। अब जैसे कि देख रहे हैं ना लर्निंग एचटीएमएल बिल्कुल आपस में साथ जुड़े हुए हैं, दो लर्निंग एचटीएमएल टैग्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये रीडेबिलिटी भी नहीं आ रही। इसका तो हल ये है कि या तो मैं इनको मार्जिन दूं खुद के इतने इतने मार्जिन एक दूसरे साइड पर, जो मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट वगैरह से करूँ, या फिर आगे मैं इसको फ्लेक्स के थ्रू ही रिस्पॉन्सिवली लेआउट डिजाइन करूँ। तो हम जो क्या करेंगे, अगर हम रिस्पॉन्सिव अप्रोच यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि हम फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स कंटेनर्स बना के फ्लेक्स आइटम को जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू हैंडल करें। अब सेंटर आ गया, मगर सेंटर में डाटा तो आ गया मगर साथ जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ी स्पेस देना चाहता हूँ कि वो हर स्क्रीन साइज के साथ वो एडजस्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर दे देता हूं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। अब देखें यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। हम तीनों को पढ़ेंगे क्या, मगर सबसे पहले हम चलते हैं स्पेस बिटवीन पे। स्पेस बिटवीन सेव किया मैंने और रीलोड किया। अब देखें स्पेस बिटवीन अपने नाम से बता रहा है कि उसने क्या किया, उन दोनों के दरमियान जितनी स्पेस बनती थी उतनी उसने स्पेस छोड़ दी है। अब कंटेनर विड्थ हमारी 100% थी और लेट्स सपोज मेरा लर्निंग एचटीएमएल 5% स्पेस ले रहा है, 100% स्पेस है और 5% लर्निंग एचटीएमएल ले रहा है, 5% एक लर्निंग एचटीएमएल 5% दूसरा लर्निंग एचटीएमएल, टोटल 10% होगा, पीछे बचा 90%। तो उसने जितनी अगर लेट्स सपोज 90% स्पेस भी बीच में उसने उनके दरमियान में 90% स्पेस छोड़ दी और साइडों पे उन दोनों को ले गया स्पेस बिटवीन के लिए। अब मैं इसको छोटी स्क्रीन पे करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, उसने प्रॉपर अपनी जो है उसने स्पेस मेंटेन किया और उसको लेके जा रहा है, उसने उसको खराब नहीं होने दे रहा। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन करता तो वो उसने सिर्फ लेट्स सपोज अगर मैं मार्जिन करता 50px तो उसने सिर्फ 50px छोड़नी थी, चाहे छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी अगर देखा जाए इनके दरमियान स्पेस काफी ज्यादा है, जो कि ऐसा ऐसा छोटी स्क्रीन पे जाते जाते छोटी होती जाती है, कम होती जाती है। मगर अगर हम कोई वैल्यू देते हैं मार्जिन की या पैडिंग की तो उसने उसी पिक्सल पे या उसी यूनिट के अकॉर्डिंग अपनी स्पेस रखनी थी, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबली उसने आगे पीछे चेंजिंग नहीं करनी थी, जो कि फ्लेक्स अभी कर रहा है। इसी तरीके से फ्लेक्स बिटवीन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फ्लेक्स स्पेस अराउंड की तरफ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन था, अब हम चलते हैं स्पेस अराउंड।
स्पेस जिस तरह बिटवीन था ना, पता चल रहा था दो आइटम या जितने भी आइटम थे उनके दरमियान में स्पेस करेगा। अब स्पेस अराउंड क्या करता है, वो कहते हैं इसके चारों तरफ स्पेस कर देगा, यानी राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से कह लो, या अभी फैमिल तो कि हमारा सेंटर में स्पेस आ रही थी ना, अब वो उसके स्टार्ट से भी स्पेस देगा, एंड से भी स्पेस देगा। जैसे कि ये सेव किया, अभी देखें यहाँ पे सिर्फ स्पेस है मेरे कोड में, अगर आप देख रहे हो ये डिजाइन में, तो ये चीज बस स्पेस है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली है साइडों पे लगा हुआ। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख रहे हैं उसने जितनी स्पेस सेंटर में छोड़ा है उतनी स्पेस उसके स्टार्ट में भी छोड़ दी, यानी लर्निंग एचटीएमएल के स्टार्ट में भी इक्वल स्पेस छोड़ दी, एंड पे भी इक्वल स्पेस छोड़ दी, फिर दूसरा लर्निंग एचटीएमएल आ रहा है उसके भी स्टार्ट में इक्वल स्पेस और एंड में स्पेस, जितनी स्पेस आपस में शुरू में स्टार्ट उसके इर्द गिर्द जितनी स्पेस बनती थी फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर के अकॉर्डिंग उसने उतनी स्पेस छोड़ दी। अब जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट करके स्मॉल स्क्रीन पे जाता हूँ तो देखते हैं वो आपस में उनकी स्पेसेस एक्यूरेटली उसको एडजस्ट करता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। एक और चीज मैं थोड़ा सा करता हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता हूँ, लर्निंग एचटीएमएल इन वेब डेवलपमेंट। अब देख रहे हैं उसने स्पेस ईमेल की ही छोड़ी है, मगर किस तरीके से छोड़ी है, जिसकी जितनी स्पेस थी उसने उसको, आप लर्निंग HTML इन वेब डेवलपमेंट की ज्यादा स्पेस बन गई थी तो उसने उसको ज्यादा स्पेस दे दी, और उसके इर्द गिर्द जितनी स्पेस उसको रिक्वायर हो रही थी फ्लेक्स कंटेनर के अकॉर्डिंग उसने अपनी स्पेस छोड़ के लर्निंग HTML और लर्निंग वेब HTML को एडजस्ट कर दिया। अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि ये जो कंटेंट है लंबा या ज्यादा कंटेंट है उसको वो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे लेता जाएगा, ताकि मेरे जो फ्लेक्स कंटेनर है उसके फ्लेक्स आइटम प्रॉपरली एडजस्ट हों लेआउट के साथ रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करते हुए। जैसे कि अभी मैं इंस्पेक्ट करता हूं और ये मेरी फुल स्क्रीन है ना जिसपे वन लाइन में डेटा शो हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे आता जाऊंगा उसने क्या करेगा वो देखें, यहाँ पे बिल्कुल करीब आ गया, ओवरलैप होने लगे, जैसे ही वो ओवरलैप होने लगे उसने उसको नेक्स्ट लाइन में ले गया, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी मेंटेन रहे और आपका डाटा भी खराब ना हो। आगे चलते जाए जिस तरह वो देखें उसको प्रॉपर स्क्रीन को मेंटेन कर रहा है रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से। अब नेक्स्ट चलते स्पेस ईमेल, स्पेस ईमेल नहीं क्या करते हैं इसको देखते हैं। अब वो क्या करता है इवनली इक्वल स्पेस, इवनली क्या करता है इक्वली स्पेस सारों को डिवाइड कर देता है, टॉप से लेफ्ट से राइट से बॉटम से उनको इक्वली डिवाइड करके फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स कंटेनर के अकॉर्डिंग मेंटेन करके उसको बना देता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था इस फ्लेक्स बॉक्स का, या फ्लेक्स कंटेनर कह लें, फ्लेक्स लिस्ट कह लें, कि उसको हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। और साथ ही उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम फ्लोट के साथ जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है फ्लेक्स बॉक्स और फ्लोट के, तो फ्लेक्स बॉक्स वाला तो आपको क्लियर हो गया कि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव करता है डिजाइन को, अपने इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस होती है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करता है, और उसके अंदर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितनी भी आइटम्स आ रही हैं, फ्लेक्स आइटम्स आ रही हैं, उनको लेआउट के अकॉर्डिंग डिजाइन करके रिस्पॉन्सिव डिजाइन को अचीव करने में हमारी मदद करता है। जबकि फ्लोट क्या करता है, फ्लोट सिर्फ आपकी पोजीशन डिफाइन कर देता है, राइट लेफ्ट जो भी आप पोजीशन दे रहे हैं उस पोजीशन पे उसको एडजस्ट कर देता है। स्पेस वगैरह का रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो ज्यादा अच्छी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, जितनी के फ्लेक्स है जो कि ऑटोमेटिकली आपके लेआउट को डिजाइन करती है। होप यहाँ तक आपकी जो चीजें कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई हो, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम उनको और फर्दर क्लियर कर सकें और आगे फर्दर चलते जाएं। अब हम अपने करंट टॉपिक की तरफ आते हैं, मीडिया क्यूरीज की, मीडिया क्यूरीज है क्या, मीडिया क्यूरीज किस तरीके से यूज की जाती है, मगर उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैं एक दफा उसको रिवाइज कर ले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़े थे, सूडो क्लासेस पढ़े थे, और कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था जैसे PX हो गया, REM हो गया, EM हो गया, और VW हो गया, VH हो गया। अगर उसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो वो एक दफा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे मैसेज अपना। मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में जब हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे, जब मेरी अगली वीडियोज आएंगी तो उनमें मैं एक स्टार्ट करने से पहले अपने लेक्चर को मैं उन यूनिट्स को एक दफा दोबारा समझा दूंगा, दोबारा क्लियर कर दूंगा, ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो और हम आगे फर्दर अच्छे तरीके से चीजों को करके चलते जाए। अब हम आते हैं मीडिया क्यूरीज में, मीडिया क्यूरीज होती क्या है।
मीडिया क्यूरीज बेसिकली क्या होती है कि मीडिया क्यूरीज का पर्पस क्या, मीडिया क्यूरीज यूज क्यों की जाती है? जब भी हम अपना पेज रीसाइज करते हैं, जैसे अभी हमने इंस्पेक्ट करके पेज अपना रीसाइज करते थे स्मॉल साइज पे और बिग साइज पे लेके जा रहे थे, तो हमारा जो पेज होता है उसका डिजाइन में कहीं ना कहीं फर्क आता है। अब जैसे कि मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये मैंने डिस्प्ले इमेज खत्म कर दिया, रीलोड किया, इसमें अभी हमारी कोई इस तरह की डिजाइनिंग नहीं जिसकी वजह से हमें पता चल रहा हो खराब हो रही है। लेट्स सपोज अभी हम आगे फर्दर चलते हैं, हम आपको वो सारा कुछ क्लियर करेंगे। अभी मैं ये जब मीडिया क्यूरीज में जाऊंगा ना, मैं अपना ये जो पुराना कोड है इसको क्लीन करूंगा, ताकि हम नए सिरे से चीजों को ना मैप करके देखते जाएं, वो हमारे लिए ज्यादा ईजी होगा। जब भी कोई पेज, मैं मीडिया क्यूरी के बारे में बता दूं कि मीडिया क्यूरी क्या, कि जब भी कोई पेज रीसाइज होता है किसी स्पेसिफिक विड्थ पे, तो हम क्या करते हैं कि उस पर कोई ना कोई स्पेसिफिक या स्पेशल CSS डिजाइन इंजेक्ट करवा देते हैं। कि लेट्स सपोज अगर मेरा साइज इस वक्त जा रहा है 500px पे, मेरा स्क्रीन साइज चेंज हुआ है और उसकी विड्थ आ गया 500px, तो मैं कह रहा हूँ यार 500px पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड हो जाए, या इसका जो फोन साइज 15px हो जाए। अभी 20px है, जाहिर सी बात है फोन साइज बड़ा होगा तो ज्यादा स्पेस लेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कंटेंट पूरा ना आ रहा हो। तो मैं कह देता हूँ कि जब मेरा साइज 500px पे जाए तो मेरा फोन साइज जो है वो 20 से 15 पे आ जाए। तो उसके लिए ये जो है क्या करना पड़ता है, मुझे स्पेसिफिक क्लास पे या स्पेसिफिक सिलेक्टर पे कोई स्पेशल CSS इंजेक्ट करानी पड़ती है। वो CSS इंजेक्ट कराने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज का मकसद क्या होता है, दोबारा क्लियर कर लें, कि जब हमारी स्क्रीन साइज चेंज हो तो उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली अपने डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, अपने डेकोरेशन को अच्छे तरीके से नजर आने के लिए हम कोई स्पेशल CSS ऐड करते हैं, कोई स्पेसिफिक CSS ऐड करते हैं या इंजेक्ट करते हैं। उस चीज को इंजेक्ट करने के लिए CSS को हम मीडिया क्यूरीज यूज करते हैं। अब उस मीडिया क्यूरीज को यूज किस तरह किया जाता है, उसका सेंटेक्स क्या, हम उसके बारे में देखते हैं आए कोड की तरफ। अच्छा, मीडिया क्यूरीज ऐड करने से पहले ना एक चीज मैं आपको बता दूं कि मीडिया क्यूरीज ऐड करने के लिए हमें ना क्या चीज करनी पड़ती है। एक ना जरूरी चीज जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया क्यूरीज करनी क्या है, किस तरीके से मीडिया क्यूरीज ऐड होंगी। अगर एक टैग हमने करना है हेड के अंदर ऐड, अगर वो हेड के अंदर टैग ऐड नहीं होगा हमारे मीडिया क्यूरीज नहीं चलती। वो टैग मैं लिखता हूँ, उस पूरी लाइन लिखता हूँ, फिर उस टैग को समझाता हूँ कि वो टैग क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो उस टैग किस तरीके से हम लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे मेटा टैग से, मेटा टैग नेम। मैं एक दफा लिख लूँ फिर मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा कि नेम एट्रीब्यूट में क्या चीज आ रही है, जो चीज आ रही है उसका मकसद क्या और ये किस लिए यूज हो रही है। ये मैंने कर दिया क्लोज। अच्छा, मैंने लिख लिया टैग, मैं टैग एक्सप्लेन कर देता हूँ टैग कर क्या रहता हूँ। मैंने एक मेटा टैग बनाया, मेटा टैग कहने की उसकी ना फर्दर डिटेल्स को करने के लिए शो किया जाता है हेड के अंदर, जो ऐसा कह लें कि जो रो डाटा होता है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए अगर कोई हम चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज करेंगे। फॉर इजी वर्डिंग हम अभी ये अज्यूम करते हैं, आगे चलते हैं। मेटा टैग बनाया, उसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया नेम, नेम के अंदर मैंने दिया व्यू पोर्ट। अच्छा, व्यू पोर्ट बेसिकली क्या है, व्यू पोर्ट पे ये पूरी स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे मेरा डाटा शो हो रहा है, वो स्मॉल स्क्रीन भी हो सकती है, मीडियम स्क्रीन भी हो सकती है, लार्ज स्क्रीन भी हो सकती है, जो सी भी स्क्रीन मेरी यूज होगी जिसमें मेरा डाटा है वो मेरा व्यू पोर्ट है। जिस तरह लास्ट हमने लेक्चर में VH पढ़ा था या VW पढ़ा था, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, की जितनी मेरी विड्थ है स्क्रीन की वो मेरा व्यू पोर्ट की हाइट है, जितनी मेरी हाइट है व्यू पोर्ट की स्क्रीन की वो मेरी व्यू पोर्ट हाइट है, और जितनी मेरी विड्थ है वो व्यू पोर्ट विड्थ है, मेरी स्क्रीन की जो विड्थ होगी वो व्यू पोर्ट की विड्थ कहलाएगी। इसी तरीके से मेरे लैपटॉप की या मेरे मोबाइल की या जो भी मेरा मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ,
जिस पे मेरा वेबसाइट ओपन है उसकी जो साइज होगा वो मेरा व्यू पोर्ट के रहेगा। उसके आगे मैंने दिया एट्रीब्यूट कंटेंट का कि उस कंटेंट का क्या साइज होगा, विड्थ, उसमें मैंने विड्थ डिफाइन कर दी कि जो मेरी डिवाइस है उसकी विड्थ और उसका स्केल क्या हो, इनिशियल स्केल हो 1.0 यानी नॉर्मल स्केल पर, ना ज्यादा जूम हो और ना ज्यादा जूम आउट हो, जूम इन जूम आउट यानी इस तरह की कोई स्टेट ना हो, नॉर्मल जो स्टेट होती है 1.0 फॉर्म में वो हमें शो हो। ये चीज करने के बाद जो जितनी भी हमारे मीडिया टीम्स होंगी वो एक्ट करेंगी, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे कंटेंट और नेम में हमने बता दी कि हमारा जो भी डेटा है, जो भी इनिशियल स्केल 1.0 पे है वो डेटा है, जो भी हमारा कंटेंट आ रहा है और उसको किसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग। तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेगा, जहाँ पे विड्थ वगैरह चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनेज करता रहेगा। अच्छा, अब हम टैग का तो समझ आ गया, हम आगे चलते हैं अपना कि हमने टैग जो मीडिया के लिए टैग था वो लगा दिया, आगे किस तरीके से चल रहा है। उसके लिए सबसे पहले ना मैंने अपना जितना कोड था ना, वो जो पहले हमारा पर्पल कलर का बॉक्स आ रहा था लर्निंग HTML बटन वगैरह सारा कुछ, वो मैंने भी कर दिया डिलीट, ताकि हम एक नए सिरे से काम स्टार्ट करें और हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए ना अभी मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में ना हम अपना एक वेबसाइट का कोड पकड़ेंगे जिसमें हमने कुछ 4 से 5 पेजेस बनाए होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ किस तरीके से काम हो रही है, उसमें कंप्लीट CSS, HTML, Bootstrap, JavaScript सब कुछ इंप्लीमेंट होगा। अभी जैसे HTML के कुछ टैग मिस हैं वो सारे उसमें कवर हो रहे होंगे इंशाल्लाह, और वो कोड को डिस्कस करने के बाद हम वो कोड आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आप उस कोड को खुद अपने तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकें, उस कोड में चेंज करके कोई नई चीज़ बना सकें जिस तरीके से भी है, ताकि हम हमारे लिए एक ही चीज़ जो हमने पढ़ी है वो हमारे पास एक कंप्लीट गाइड की फॉर्म में, हैंड ऑन प्रैक्टिस की फॉर्म में हमारे पास आ रही हो। बट करंटली मेरा जो होम पेज था मैंने वो सारा कुछ उड़ा दिया है, और उसको जब ताकि मैं नए सिर से HTML कर सकूँ, और जब मैं वेब पेज पर आता तो देख रहे हैं मेरा वेब पेज भी जो था ना क्लियर था, उसमें सिर्फ मैंने ये लिखा हुआ है, सेव मैं कर लूँ, सॉरी अब जब मैं इधर आता हूँ देखिए मेरा बिल्कुल ब्लैक पेज है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक बनाता हूँ H1 में लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीडिया क्यूरीज, ठीक है। अब जब मैं इधर आता हूँ अपने इस साइड पर देखे मेरे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीडिया क्यूरीज, मैं इसमें थोड़ी सी CSS लगा देता हूँ, थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देता हूँ, ताकि जब हम मीडिया क्यूरीज करें तो हमें इफेक्ट पता चल रहा हो कि हमारी किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, किस तरीके से नहीं आ रही। यहां पर मैं क्लास लिख देता हूँ एक मीडिया डैश क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास हूं ना तो मीडिया क्लास, और मैं इसको दे देता हूँ कलर, कलर मैं इसको दे देता हूँ फिलहाल रीलोड, मेरे पास ये कलर आ गया। अब मैंने मीडिया क्यूरीज के अकॉर्डिंग में इसको करना है, पहले मीडिया क्यूरीज का एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस मीडिया क्यूरीज के सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं कि वो मीडिया क्यूरीज का सेंटेंस है क्या, किस तरीके से लिखा जाता है और उसका पर्पस क्या है, कि उसमें क्या चीज क्या चीज बता रही है CSS को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो इफेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट वो भी देखेंगे। इधर आते हैं माय स्टाइल CSS में, और यहां पे मैं लिखता हूं @ मीडिया मीडिया और मिन विड्थ या मैक्स विड्थ कर लेते हैं, मैक्स विड्थ 768px और यहां से ये। अब अगर कोड देखे ना तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, आप कोड की तरफ आए तो कोड में क्या लिखा हुआ है @media, @media का क्या मतलब है कि मेरे पास ये जो ब्लॉक शुरू हो रहा है जिसके सामने लिखा हुआ है @media, तो ये जो चीज है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये क्या है, ये CSS को बता रही है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी वह सिलेक्टर या जो भी डिजाइनिंग होगी ये स्पेशल या स्पेसिफिक CSS है जिसको हमने इंजेक्ट करना है इस विड्थ के अकॉर्डिंग 768 विड्थ के अकॉर्डिंग, मैक्स विड्थ यानी ज्यादा से ज्यादा 768 विड्थ होनी चाहिए, जैसे 769 होगी तो ये CSS जो इंजेक्ट हो रही है खत्म हो जाए,
जीरो से लेके अभी हमने मिन विड्थ नहीं दी हुई है, इट्स मीन बाय डिफॉल्ट जो मिनिमम विड्थ है वो जीरो है और मैक्सिमम कितनी आ रही है 768, 768 तक ये CSS इंजेक्ट होगी और जैसे ही ये 768 से ऊपर जाएगी तो हमारे CSS इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने मीडिया क्लास लगाई थी, मीडिया क्लास को कलर दिया था कोरल, मैं यहाँ पे मीडिया क्लास दोबारा ऐड करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कलर कोई ब्लू वॉयलेट कर देते हैं। अच्छा अब चीज पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं फिर हम अपने इंप्लीमेंटेशन जो है उसको देखेंगे। ये मेरा मीडिया ब्लॉग स्टार्ट हुआ, ये एट द रेट मीडिया CSS को बता रहा है कि मैं मीडिया क्यूरी के इंजेक्शन के लिए आया हूँ, एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ CSS को और किस विड्थ पे मैं कर रहा हूँ, मैं इस ज्यादा से ज्यादा 768 तक, जैसे ही 768 से ऊपर जाएगी तो मैं जो चीज इंजेक्ट कर रहा हूँ वो निकाल देना, लेकिन जब 768 या 768 से नीचे आती है विड्थ तो तुमने ये जो CSS है ये तुमने इंजेक्ट करनी है इस सिलेक्टर पे या इस एलिमेंट पे। वो क्या है, मीडिया क्लास सिलेक्टर है उसके अंदर, और उसके अंदर कलर दे दिया मैंने ब्लू वॉयलेट, इसके अंदर मैं जितने मर्जी सिलेक्टर लिखूं 1, 2, 3, 4 हजार जितने मैं लिख सकता हूँ, मुझे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं इधर आता हूँ अपने कोड पे, रीलोड किया, देखिए इस वक्त मेरी रेजोल्यूशन है 1476, मैंने कहां तक रखा हुआ है 768 पे, मैं देता हूँ 768 एंटर। जैसे ही मैंने 768 किया एक चीज देखिए आपने, उसकी विड्थ जो थी वो कम हो गई और उसका कलर जो कोरल था वो ब्लू वॉयलेट हो गया। अब मैं फिर इसका स्क्रीन साइज जैसे ही बढ़ाया वो देख रहा है वो कलर उसका चेंज होता जा रहा है और विड्थ भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह मैं नीचे आता जाऊंगा विड्थ मेरी ऊपर देख रही है, अगर ये रिस्पॉन्सिव डायमेंशन में मेरी जो विड्थ है वो कम हो रही है, 1110 है और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते जैसे ही हमारी मीडिया की कंडीशन में आएगी उस पर वो स्पेशल CSS या स्पेसिफिक CSS जो हमने लिखी हुई है वो उस पर इंजेक्ट हो जाएगी। ये हमारे 900 में और आहिस्ता आहिस्ता ये और 761 पे जैसे ही आई इसने चेंज कर लिया। जैसे अब मैं और स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, 768 पे उसका कलर चेंज हो गया, जैसे 769 पे उसका कलर दोबारा रिवर्ट हो गया कि ये जो स्पेशल CSS मैं इंजेक्ट कर रहा था, कोई स्पेसिफिक CSS जो इंजेक्ट कर रहा था उसकी कंडीशन थी मीडिया क्यूरी में कि 768 तक विड्थ होनी चाहिए, जैसे ही 768 से ज्यादा विड्थ हो तो ये इंजेक्शन जो मैंने दी हुई है CSS की ये खत्म हो जाए। वही हुआ, एक पॉइंट ही ऊपर बढ़ा, एक पिक्सल बस ऊपर बढ़ा 769, उसने उसी वक्त वो सारी जो इंजेक्ट की हुई थी CSS वो खत्म कर दी और जैसे ही उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा उसने वो CSS इंप्लीमेंट कर दी। ये चीज आ गई। अब जो मैं एक आपको ना एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे स्मॉल डिवाइसेस कौन सी हैं, मीडियम डिवाइसेस कौन सी है, लार्ज डिवाइसेस कौन सी हैं और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस कौन सी है। कोड की तरफ ही आता हूं मैं, एक सिंपल मैं यहां पे दे देता हूं, लिख देते हैं चीज ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। कमेंट मैंने लगाए और यहां पे मैं बताता हूं कि मैंने क्या क्या करने लगा हूं। अब मैं सिंपल बताता हूँ, मेरी अगर रेजोल्यूशन आती है रेजोल्यूशन और स्क्रीन या डिवाइस, रेजोल्यूशन अगर मेरी 0 से लेके 480 तक है तो मेरी कौन सी डिवाइस होगी, ये होगी स्मॉलर फोन जिनकी बहुत छोटी स्क्रीन आती है वो आ जाएंगे, और 481 टू 768 में क्या आएगा हमारा टैबलेट स्क्रीन आ जाएंगे, स्मॉल टैबलेट आ जाएंगे, या कह लें कि वो जिनकी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगी लैंडस्केप में पोर्ट्रेट की फॉर्म में होंगे, और साथ साथ क्या आएगा हमारे स्मॉलर फोन नहीं हमारे लार्जर फोन आएंगे, जो स्मार्टफोन जो बड़े फोन नहीं आ जाते जिन जो एक तो स्मॉल स्क्रीन होती है जो बड़ी स्क्रीन होती है उनके लिए हमारे यहाँ पे लार्ज फोन आ जाएंगे, लार्जर स्मार्टफोन। अब नेक्स्ट चलते हैं 769 से 1279 तक, ये मेरी कौन सी डिवाइसेज आ जाती है, यहाँ पे आ जाते हैं लार्जर टैबलेट्स हमारे आ जाते हैं, लार्जर टैबलेट्स, और ये बेसिकली कौन से होते हैं हमारे लैंडस्केप ओरिएंटेशन वाले, और हमारे पास कौन से आते हैं स्मॉल डेस्कटॉप।
स्मॉल डेस्कटॉप यानी या कह लें लैपटॉप स्क्रीन, जो स्मॉल स्क्रीन होती है लैपटॉप की 12 इंचेस वाली या इस तरह की जो स्क्रीन होती है उनके लिए ये सहायक होता है। और 1280 से ऑनवर्ड 1280 प्लस जितने भी होते हैं वो हमारे कौन से आ जाते हैं, लार्जर डेस्कटॉप और मोनिटर स्क्रीन वगैरह जो होती हैं, वो लार्जर डेस्कटॉप्स एंड मोनिटर्स ये बेसिकली हमारा क्या है, एक छोटा सा कह लें कि चार्ट है हमारा डिवाइसेस को समझने के लिए कि कौन सी डिवाइस का साइज क्या है, किस साइज, अगर हमें स्मॉलर स्क्रीन पे जाना तो कितना साइज पे रखना पड़ेगा, लार्जर पे जाना तो कितने साइज पे रखना पड़ेगा, मीडियम पे जाना तो कितने साइज पे रखना पड़ेगा, ये उसके लिए क्लियर है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करते हैं सारा कुछ। अभी मैं एक कोड करता हूँ उसमें मैं सारा कुछ लिखता हूँ, एक मैं यहाँ पे मीडिया क्लासेस का तो लग गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, इसको मैं आईडी दे देता हूँ डिवाइस या स्मॉल डिवाइस कह देता हूँ, स्मॉलर डिवाइस आई एम स्मॉलर फोन। फिर मैं देता हूँ इसको एक अगली आईडी आ जाती है smaller tabs, I am smaller tab and large smartphone। उसके बाद मैं देता हूं एक और larger tab के नाम से, I am larger tab and small desktops। ठीक है, और उसके बाद मैं देता हूं larger computers या larger desktops, I am larger desktops। ये मैंने IDs बनाई है, मैं IDs को सारों को यहाँ पे एक दफा लिख लेता हूँ, smaller device आ गई, smaller tabs आ गए, ये सारी चीजें hash smaller device smaller tabs larger tabs larger desktops। ये मेरी जितनी भी थी मैंने उनको एक आईडीज की फॉर्म में बना लिया, और इनको मैं थोड़े कुछ डिजाइन दे देता हूँ जिसके बेस पे मैं उनको आगे फर्दर करता हूँ। या मैं इनको हर एक को ना एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक को देता है एक्वा, एक को दे देते हैं रेड, एक को ब्लू, जो जो से भी कलर हमारे पास बनते हैं वो कलर दे देते हैं, येलो दे दिया एक को, फिर एक को दे देते हैं हम रेड, एक को दे देते हैं ब्राउन, और इधर सारों को हम दे देते हैं एक डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले सॉरी नन। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डिस्प्ले नन का क्या मकसद होता है, कि जो जिस पे भी ये प्रॉपर्टी लगती है वो हाइड हो जाता है, वो शो ही नहीं होता। अभी जो होगा हमारे पास कोई भी डिवाइस शो नहीं होगी। अभी डिस्प्ले नन को वैसे खत्म करता हूँ, मैं आपको एक चीज पहले दिखाता हूँ फिर हम डिस्प्ले नन को करेंगे ताकि इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो। अभी देख रहे हैं मेरे पास आई एम स्मॉलर फोन, आई एम स्मॉलर टैब एंड लार्जर स्मार्टफोन, आई एम लार्जर टैब एंड स्मॉल डेस्कटॉप, आई एम लार्जर डेस्कटॉप, ये सब कुछ आ रहा है। अभी जब मैं इन पे डिस्प्ले नन लगाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा ऐसा वो चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी। रीलोड किया, देखें मैंने अभी स्मॉलर डिवाइस पे लगाया था, स्मॉलर डिवाइस में क्या आ रहा था, आई एम स्मॉलर फोन, वो गायब हो गया। ये देखें ब्राउजर में हमारे पास वो चीज़ गायब होगी। इसी तरीके से मैं इनके ऊपर सारों पे डिस्प्ले नन लगा देता हूँ।
अब मैं मीडिया की चीज अपनी डिफाइन करने लगा हूँ, मैं इसी तरीके से अपनी स्मॉल स्क्रीन में डिस्प्ले रन करने का बेसिकली पर्पस क्या था कि हम उन सारी चीजों को भी छुपा दें सिर्फ जब वो स्क्रीन अपनी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में, जैसे कि स्मॉलर जो डिवाइसेस थी, जैसे हमारी क्लास थी स्मॉलर डिवाइस, ये तब एक्टिव हो जब हमारी 480 तक आती है तो ये एक्टिव हो जाए और उसके बाद वो हाइड हो जाए। इसमें हम मिन मैक्स दोनों को इकट्ठे देखेंगे किस तरीके से उस साइड पे आते हैं। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ एट द रेट मीडिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैक्स विड 480px और यहां पे मैं सिंपल यही चीज कॉपी करूंगा और इसको यहां पे कर दिया मैंने पेस्ट। और बैकग्राउंड कलर पहले से लग रहा है, मैं यहां पे डिस्प्ले इसको दे देता हूं ब्लॉक। अच्छा एक चीज देखिए, मेरी स्मॉलर डिवाइस कहां पे थी, उसकी रेजोल्यूशन 0 to 480, तो मैंने मैक्स विड्थ 480 दे दी। इसका मतलब है कि मिन विड्थ मैंने कोई नहीं दी, मिन विड्थ ऑटोमेटिकली क्या भी बाय डिफॉल्ट 0। तो 0 रेजोल्यूशन से लेके 0 पीएक्स से लेके 480 तक जो भी विड्थ बन रही है, चाहे वो 200 है, 250 है, 300 है, 320 है, 450 है, 480, तब तक क्या होगा, ये जो स्मॉलर डिवाइस है इसका जो डिस्प्ले नॉन जेनेरिकली लगा हुआ है वो किस पे चला जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक पे, जो इधर हमने यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लिया इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम अपनी क्यूरी लिखते हैं जिसमें हम मिन मैक्स दोनों यूज करेंगे। इसमें कभी हमने मिन यूज नहीं किया, सिर्फ मैक्स यूज किया हुआ, तो वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम विड्थ क्या होगी, 0 होगी। और अगर मैं लिख देता हूं एट द रेट मीडिया, मैं एक चीज करता हूं, मैं यहां पे भी लिख देता हूं मैक्स विड्थ, मिन विड्थ नहीं देता तो क्या फर्क आएगा ये देखते हैं। मेरी कौन सी है 768, ये 768 की लगी हुई है। अब मैं अगली देता हूं मैक्स फिट 768, 768 में मेरी कौन सी आती है स्मॉलर डिवाइसेस के बाद स्मॉलर टैब्स, मैं स्मॉलर टैब्स को ही कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक मीडिया क्यूरी के ब्लॉक में मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल सेक्टर ले सकता हूं, तो मैंने एक सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर ले लिया और इसमें मीडिया क्लास के नाम से जो है, और एक मैंने सिलेक्टर ले लिया वो आईडी जो स्मॉलर टैब्स के नाम से है। तो इसमें अब ये नहीं है कि हमें हर एक सिलेक्टर के लिए नया मीडिया क्यूरी का ब्लॉक बनाना पड़े, नहीं, एक ही ब्लॉक में हम मल्टीपल सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। इसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। अब यहां पे देखें दो चीजें हो रही है, इस पे भी मिन विड्थ डिफाइंड नहीं है और इस पे भी मिन विड्थ डिफाइंड नहीं है। ये दोनों अपनी मिन विड्थ कहां से ले रहे हैं, 0 से। इसको एक चीज समझते हैं, कोड की तरफ पहले आते हैं फिर हम इसको समझते हैं, हमारा और क्लियर होगा। अभी देखते हैं रिफ्रेश, अभी सारे जो बाय डिफॉल्ट 780 से ऊपर कोई भी जाएगा तो वो क्या होगा, डिस्प्ले नन पे शो होगा, तो उसी तरीके से हमें कोई शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं 780 पे आता हूं, 768 पे गया हूं, तो मुझे आ गया स्मॉलर टैब एंड लार्जर फोन, मगर दूसरा शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हमने दिया है 480 तक, 0 to 480, वो जब तक 480 की रेंज में नहीं आएगा तब तक स्मॉलर डिवाइस शो नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा और पीछे जाता जाता हूं, ये रहा 480, देखिए 480 आए तो आ गया स्मॉलर फोन, मगर साथ साथ दूसरा भी आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने उधर मिन विड्थ डिफाइन नहीं की, मिन विड्थ डिफाइन नहीं की तो उसने ज्यूम कर लिया बाय डिफॉल्ट 0 से लेके आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 0 to 768 वो कंडीशन तो दूसरी भी फुलफिल हो रही है, इस वजह से दोनों का शो कर रहा है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो तो हम उसमें मिन विड्थ को भी डिफाइन करते हैं और मैक्स विड्थ को भी, तो मिन विड्थ किस तरह डिफाइन करते हैं, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। दोनों को अगर साथ करना हो तो सिंपल एट द रेट मीडिया, मिन विड्थ 481px एंड मैक्स विड्थ कितनी, ठीक है। मैंने बता दिया कि मेरी मिन विड्थ 481 हो, मिनिम पहले बाय डिफॉल्ट 0 जाते हैं, मैंने कहा नहीं 0 से नहीं मुझे चाहिए, 481 हो तो ये इंप्लीमेंट हो जाए, ये सीएसएस इंजेक्ट हो जाए और मैक्सिमम इतनी हो तो ये यहां तक इंजेक्ट रहे, जैसे इससे ऊपर जाते हो वो सीएसएस को रिमूव कर दे। अब मैं रीलोड करता हूं, अब देख रहे हैं
481 मैंने मिनिमम रखी थी, तो अभी हम मिनिमम कंडीशन में फॉल नहीं करे तो उसने ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन को खत्म कर दिया, और जैसे जैसे मैं आऊंगा 500 पे आया, 497 पे आया, तो उसने क्या किया, जो स्मॉल स्क्रीन थी 480 वाली वो खत्म कर दी, और जो मीडियम यानी स्मॉलर टैब और लार्जर स्मार्टफोन थी उसने वो शो करा दी, 489 तक भी चल रहा है, 482 तक भी चल रहा है, 481 में भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही 480 आया उसने स्वैप कर दिया, एक तो कलर भी स्वैप होता जा रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है उसने उन चीजों को भी स्वैप कर दिया कि भाई ये चीज होनी चाहिए। आप देखें कलर किस तरह स्वैप हो रहा है, कलर भी क्लास मेरी ये 481 और 768 पे, जिसकी वजह से उसका कलर में भी चेंज आ रहा है मीडिया क्लास में। यहाँ तक क्लियर है तो हम अगली मीडिया क्वेरी की तरफ चलते हैं। एक दफा जब हमारी सारी ये मीडिया क्वेरीज हो जाएंगी आपको ये एंड तक सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज की जा रही है। हमारी ये दो रेजोल्यूशन होगी, स्मॉलर फोन, स्मॉलर स्मॉल टैबलेट और लार्जर स्मार्टफोन। अब चलते हैं 769 से 1278, सेम उसी तरीके से @media मिन विड्थ PX एंड मैक्स विड्थ 1279 PX, और यहां भी मुझे कौन सी चाहिए, लार्जर टैब, लार्जर टैब से मैं कर देता हूं डिस्प्ले ब्लॉक, और कलर तो वैसे ही चल रहा है, उसके वजह से हम उसे क्लियर कर लेते हैं। मैक्स विड्थ का मैंने सेंटर थोड़ा सा चेंज करता नहीं हुआ मैक्स विड्थ। अब मेरे पास लार्जर टैब भी हो गया और लार्जर डेस्कटॉप रह गया है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम 1280 चाहिए, मैक्सिमम की हमारे पास लिमिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा @media ब्रैकेट मिन विड्थ 1280 PX, और यहां पे मैं दे देता हूं अपना लार्जर डेस्कटॉप डिस्प्ले ब्लॉक। अब इस चीज को समझते हैं, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे जब हमने खाली मैक्स विड्थ दी थी तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बाय डिफॉल्ट मिन विड्थ ले रखा 0 और 480 तक, बाकी हमने दो डिफाइन कर दिए, मिन विड्थ भी कर दी कि मिन विड्थ की ब्रैकेट ये है और मैक्स विड्थ की ब्रैकेट ये है, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जब रेजोल्यूशन आपकी आएगी तो आपकी को ये CSS इंजेक्ट करनी है। इस तरह 769 टू 1279 की हमने डिफाइन कर दी। अब लार्जर स्क्रीन है, इसमें मिनिमम विड्थ डिफाइन है मगर मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब है मिनिमम जैसे इसको 1280 विड्थ मिलेगी वो ये स्पेसिफिक जो CSS है इसको इंजेक्ट कर देगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, 50,000, 90,000, 900,000 कुछ भी हो सकती है, उस पर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज को। कोड में आके देखते हैं, रिफ्रेश, ये देखें स्मॉल स्क्रीन एंड स्मॉलर फोन चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही वो 480 की ब्रैकेट से बाहर जाएगा ये हाइड हो जाएगा, और जो सी डिवाइस यानी हमारी कौन सी डिवाइस आती है टैबलेट्स और लार्जर स्मार्टफोन वो आ जाएंगे, जैसे ही 486 या 481 भी ये जाएगा तो वो आपको उसके दूसरे डिवाइस नेम शो करते कि इस वक्त ये डिवाइस की रेजोल्यूशन आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता और आगे जाते हैं तो वो हमें अगली रेजोल्यूशन बता देगा जो सी रेजोल्यूशन हमारी यूज हो रही है। आई एम लार्जर टैब एंड स्मॉल डेस्कटॉप, यानी मोबाइल साइट जो है खत्म होगी, 768 तक मोबाइल होते हैं, लार्ज स्मॉल सारे 768 के नीचे नीचे आते हैं, जैसे 769 आता है टैब बड़े टैब्स और स्मॉल डेस्कटॉप यानी लैपटॉप वगैरह जो होते हैं उस फॉर्म में आ जाता है, 12 इंच लैपटॉप वगैरह जो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं जाता जा रहा हूँ, मैं कहाँ तक जाना है, 1279 तक ही रहेगा, जैसे 1280 पे जाऊँगा मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, 1280 आया, देखें हम लार्जर डेस्कटॉप। ये बेसिकली उसने क्या किया, सारे हमने रेजोल्यूशन के वाइज हमने वो चीजों को बता दी कि मैं इस वक्त इस रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे हूँ, इस वक्त इस रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे हूँ, सारी उसने डिफाइन कर दी है। अच्छा यहाँ तक तो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई, अगर फिर भी किसी को भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी कवर करके क्लियर कर सके। अच्छा एक और चीज हम करते हैं, इधर मैं एक और चीज बताता हूँ जिसकी फिलहाल जरूरत
कह लें कि नहीं है उसके बगैर भी काम हो जाता है, मगर चीज का पता होना चाहिए। मैं इस तरह लिख सकता हूँ एट द मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी रेजोल्यूशन, या इधर कह लें मैं इधर दे देता हूँ स्क्रीन एंड रेजोल्यूशन। ये जो सेंटेक्स है ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है मीडिया टाइप किस तरह की होनी चाहिए, यानी जो मैं डिवाइस इस पे वेबसाइट चला रहा हूँ या वेब पेज ओपन कर रहा हूँ वो टाइप किस तरह की होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये खत्म कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं है तो ये ओल्ड टाइप लेगा, जिसमें प्रिंट स्पीच सिस्टम होते हैं, कुछ स्क्रीन वगैरह जितनी भी होती है डिवाइसेस जिन जिन पे हम सपोर्ट कर सकते हैं वो सारा कुछ चलता है। लेकिन जब हम स्क्रीन करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ होता है कि स्मॉलर डिवाइस हो, स्मॉलर टैबलेट हो, लार्जर टैबलेट हो, लार्जर डेस्कटॉप वगैरह, इनके अलावा और कोई भी अगर डिवाइस जिस पे हमारा वेब पेज ओपन होता है तो उस पे कोई चीज भी इफेक्ट ना करे। तो यहाँ तक जो अभी हमने चीज देखी, हमने प्रॉपर अपना मीडिया क्यूरी का सेंटेक्स देखा, मीडिया क्यूरी का सेंटेक्स होता क्या है, मीडिया क्यूरी को किस तरीके से यूज किया जाता है, मीडिया क्यूरी का पर्पस क्या है, उसमें मिन बिट क्या बताती है, मैक्स बिट क्या बताता है, और किस तरीके से हम डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव कर सकते हैं। साथ साथ फिर हमने देखा कि मीडिया क्यूरी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक मेटा टैग, जो कि ये मेरे कोड में आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, ये है, ये क्या चीज होता है इसको एक्सप्लेन किया हमने कि वो व्यू पोर्ट किस तरह बनाता है और व्यू पोर्ट का किस तरह साइज रहता है, इन चीजों के बारे में देखा और हमने मीडिया क्यूरी को डिस्कस किया। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कंफ्यूजन होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें और हम उसके अकॉर्डिंग उसको वीडियो के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू उसको रिप्लाई करके उसको कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा जो CSS मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने थर्ड मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप वाली साइड पे चलेंगे और उसको कवर करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।